फियर कॉम्प्लेक्शन, रंग गोरा होना। आज मैं इन दो शब्दों को आपके जीवन से जुड़ी हसरतों को पूरा करने के लिए आया हूं। भले ही महत्वहीन सही, क्योंकि अंदर की आत्मा से जो चमक होती वही बाहर आती है, लेकिन आज का समाज रंग को देखता है। इसीलिए मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको मैं होम्योपैथिक दवा, साथ में घरेलू नुस्खा और वह नुस्खा क्यों काम करेगा, तीनों बातें आपके समक्ष रखूंगा। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह वीडियो आप की हसरत को पूरा करने का एक प्रयास है। हसरत गोरे रंग की, वास्तविक मायनों में इस वीडियो का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आजकल की बनावटी दुनिया में, आजकल के समय में इस वीडियो का बहुत महत्व है। और हमारे लिए महत्व आपके लिए इस वीडियो का ये है बनाने का कि एटलीस्ट आपकी इच्छा को पूरा करने का मैं एक प्रयास कर पाऊं। इच्छा सही भी हो सकती है, इच्छा गलत भी हो सकती है, लेकिन जब तक इच्छा बहुत गलत ना हो तो उस इच्छा को पूरा करने में बुराई नहीं है। आत्मसंतुष्टि ही वो सबसे बड़ा जीवन का अर्थ है जो हमें ढूंढना चाहिए। और अगर आपको रंग गोरा करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो कि मिलती ही है ऐसा मैं समझता हूँ, तो यह वीडियो आपके लाभ का है। आज साथियों, हम आपको बताएंगे रंग को गोरा करने की, फेयर कॉम्प्लेक्शन की कुछ कारगर संभावित होम्योपैथिक दवाएं। साथ में आपको बताएंगे घरेलू नुस्खा जो आपकी त्वचा के रंग को गोरा करने में मदद करेगा, और यह भी बताएंगे कि आखिर यह क्यों काम करेगा। मैंने साथियों ये देखा कि एक दिन मैं YouTube पे स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था कि आखिर हमारा कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो वो वीडियो फेयर स्किन का ही था। तो इससे मुझको इस बात का महत्व लगा कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। हमारे समाज की महिलाएं, हमारे परिवार की महिलाएं अक्सर चिंतित रहती हैं। उम्र के किसी न किसी पड़ाव में उनका रंग ढकने लगता है, उनको लगता है उनका रंग गोरा नहीं रह गया, उनको लगता है कि वह अब समाज में उतनी कॉन्फिडेंटली स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सकती जितना कॉन्फिडेंटली वो तब करती जब उनका स्किन का रंग गोरा होता। यही जो संशय मन में उठता है, मैं इसी का निदान का एक प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी दवा या कोई भी इलाज फूल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन प्रयास करने से किसने रोका है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नहीं होगा रंग गोरा, और क्या होगा। लेकिन हो गया तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, और आप मेरा इतना सहयोग करते हैं, मेरे जीवन में आप सबका बहुत बड़ा स्थान है जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर पाया। चलते हैं साथियों सफर पे, आपकी हसरत को पूरा करने के सफर पे।
आपकी इच्छा को पूरा करने के सफर पे, आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए, समाज में आपके और अधिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, विश्वास उत्पन्न करने के लिए स्वयं में, यह विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं उन होम्योपैथिक दवाओं की, यह संभावित दवाएं हैं। जैसा मैंने कहा, कोई भी दवा बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं होती है, लेकिन कुछ कारगर दवा मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी बता रहा हूं कि यह दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, लेकिन दवाएं अच्छी हैं। हम लोग अपने क्लिनिक पे इनको यूज़ करते हैं। तो साथियों प्रस्तुत हैं आपके सामने वह दवाएँ। नंबर एक दवा साथियों होम्योपैथी में जो अपने अपने क्लिनिक पे हमने जिससे जादू होते देखा है, नंबर एक दवा जिससे मैंने अपने क्लिनिक पर लोगों को फ़ायदा होते देखा है, उनकी त्वचा को गोरा होते देखा है, उनको खुश होते देखा है, उनकी मुस्कुराहट को देखा है, और थोड़ा बहुत अपनी तारीफ भी हमने प्राप्त की है, वह दवा है आयोडम। रंग गोरा करने की सर्वोत्तम दवाओं में आयोडम सर्वोच्च दवा है होम्योपैथी में, ऐसा मेरा मानना है। 1000 पावर में, 1 mg पावर में आयोडम की एक खुराक केवल हर हफ्ते आप ले लें, यानी कि 2 बूंद दवा, ऐसा आप हर हफ्ते करें और ऐसा आप 6 महीने करें। 6 महीने में आप देखेंगे आपकी स्किन में आधारभूत परिवर्तन आने लगेगा। और साथ में साथियों जो दूसरी दवा आपको इस्तेमाल करनी है इसके साथ, वह है सरसापेरिला। सरसापेरिला 30, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, इसको भी आप आयोडम के साथ लें। आयोडम हफ्ते में 1 बार लेनी है, सरसापेरिला 3 बार लेनी है। यह दोनों दवाएं मिलके आपके रंग को गोरा करने की एक बड़ी प्रबल संभावना हो जाएगी। 60% केसेस में मेरे हिसाब से दवाएं काम करती हैं, और 60% एक बहुत बड़ा सफलता का आंकड़ा होता है, मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा होता है। और किन्हीं कारणों से थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको दूसरा विकल्प भी दे रहा हूं। जीवन में सफलता के लिए आपके पास एक से अधिक विकल्प होना चाहिए, और वह विकल्प है, अगर आयोडम आपको काम ना करे या जो साथियों ने आयोडम यूज करी होगी उनको वर्क ना करे, तो एक दूसरी दवा साथियों है, वह लाइकोपोडियम क्लवेटम, और दूसरी दवा है कॉस्टिकम। लाइकोपोडियम क्लवेटम की हर 15 दिन पे 2 बूंद सुबह ले लें, और कॉस्टिकम 1 mg की या 200 पावर की 2 बूंद रात में ले लें, ऐसा हर 15 दिन पे एक बार करें, और उसके अलावा सरसापेरिला 30 इस्तेमाल करते रहें। और साथ में साथियों बर्बरिस एक्यूफोलियम का मदर टिंचर 20 ड्रॉप्स 2 टाइम्स लेते रहें। इतना सब लेने से मुझे लगता है कि आपके मन का संशय भी खत्म होगा, आपका मेहनत का पैसा भी बचेगा, और आप बेहतर महसूस करेंगे। दूसरी बात आती है साथियों, वह घरेलू नुस्खा जो आपके रंग को खोल देगा, रंग का रंग हल्का कर देगा, क्लियर कॉम्प्लेक्शन की तरफ ले जाएगा, वह नुस्खा मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। उसके लिए साथियों आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी कटोरी में 4 चम्मच दही डालना है, दही यानी योगर्ट ऐड करना है, और उस योगर्ट में आपको कर देना है थोड़ा सा एप्पल सीडर विनेगर, सेब का सिरका, और साथियों आपको इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी हल्दी यानी कि टर्मरिक, और इसमें साथियों आपको आखिरी इंग्रेडिएंट जो ऐड कर देना है वह है हनी यानी शहद। इसका साथियों आपको एक पेस्ट बना लेना है, एक पेस्ट बन जाएगा, जैसे ही आप शहद डालेंगे थोड़ा सा योगर्ट यानी दही डाइल्यूट हो जाता है। इसको आपको चेहरे पे, स्किन पे, हाथों में 20-25 मिनट के लिए लगा लेना है, उसके बाद वॉश कर लेना है। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है, 1 महीने के अंदर आपकी स्किन का रंग खुलने लगेगा।
इसकी बहुत प्रबल संभावना है। अब हम साथियों आपको यह भी बताएंगे कि यह क्यों ऐसा करेगा। यह साथियों इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि योगर्ट यानी दही में पाया जाता है विटामिन B5 और विटामिन D। यह दोनों विटामिन बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन के लिए। साथ में इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड जो स्किन को डेड सेल्स को फोलिएट करता है, उनको निकालता है। एप्पल सीडर विनेगर साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें पाया जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड AHA। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड स्किन के लिए बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ये एक प्रोवन बात है। हल्दी यानी टर्मरिक में साथियों पाया जाता है कुकरमिनोइड्स और इसमें पाया जाता है, यह जो हल्दी या टर्मरिक होता है यह एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, यानी यह अपने प्रकार को बदल सकता है बॉडी के फायदा देने के लिए, उसको ये मॉड्यूलेट कर सकता है, अपने प्रॉपर्टीज में चेंज ला सकता है जो स्किन को फायदा दे। तो सदियों से इस्तेमाल करे जाने वाला इंग्रीडियंट है हल्दी यानी कि टर्मरिक। यह WBC के इनिबिशन को रोकता है और आपकी स्किन को बेहतर करता है। और साथियों जो आखिरी इंग्रीडियंट है हनी, हनी और शहद साथियों, शहद तो एक ऐसा इंग्रीडियंट है जो मैं अपने सारे नुस्खों में श्रेष्ठ स्तर पर रखता हूँ क्योंकि इसमें 18 अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं 20 में से, कुल 20 होते हैं उसमें से 18 हनी में पाए जाते हैं साथियों। तो यह एक कुदरत का जो एक पूरे प्रकृति का जो एक प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसका एक तरह से यह मेडिसिनल वैल्यू में एक्सट्रैक्ट होता है, तो यह एक अद्भुत चीज है साथियों। यह साथियों आपकी हसरत को पूरा करने का एक प्रयास था। दवाएं जो साथियों वीडियो में बताई गई वह कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करें मत लीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा साथियों आपकी राय का कि ये वीडियो देख के आपको फील गुड हुआ कि नहीं, हमें कमेंट पोर्शन में अवगत कराइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा मित्रों को साथ जुड़ने को प्रेरित करिए और हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरा इतना साथ दिया, आपका साथियों पुनः साथ देने के लिए धन्यवाद।